हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आई एम समीर। आज की इस वीडियो में हम एनिमेट सीसी सॉफ्टवेयर में एक कार को डिज़ाइन करेंगे और उसे मूव कराना सीखेंगे। अगर हमारी वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करें एंड ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, जिससे हमारे वीडियो की आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्टूडेंट, तो चलिए हम एक कार को ड्रॉ करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में जो बिल्डिंग्स का इमेज बनाया था, बिल्डिंग के इमेज के जस्ट ऊपर यहाँ पर हमें रोड था, रोड के ऊपर हमें कार ड्रॉ करनी है। तो कार को ड्रॉ करने के लिए कुछ बेसिक स्टेप दिए गए हैं बुक्स में। इसमें मेक द ट्री लेयर एक्टिव एंड इंसर्ट ए न्यू लेयर एंड नेम इट्स कार। तो इसमें हम बेसिकली ओवल एंड रेक्टेंगल टूल्स का यूज़ करना है। इसका यूज़ करके हम कार को ड्रॉ करेंगे और हम यहाँ पर सेल्फ से ही कार का डिज़ाइन डिफाइन करके देखेंगे और एक अट्रैक्टिव कार डिज़ाइन करेंगे। एंड द नेक्स्ट ऑप्शन होगा हमारे पास मूविंग द कार। तो मूविंग द कार के लिए भी आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रेजेंट होंगे, जस्ट लाइक एज अ डिफरेंट स्टेप्स हैं जो बुक के अकॉर्डिंग ही हैं। तो हम इसे वन बाय वन सभी स्टेप्स को अप्लाई करेंगे और हम यहाँ पर कार को भी मूव करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रीवियस वाले ऑप्शन में एक न्यू लेयर इंसर्ट करेंगे। लेयर का नेम को हम डिफाइन कर लेते हैं कार, एंड कार को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन टूल के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर एक ऑप्शन ले लिया है रेक्टेंगल टूल का, और यहाँ पर मैंने स्ट्रोक कलर एंड देन फिल कलर को वाइट ले लिया है। फिल कलर को वाइट लेने के बाद हम यहाँ पर कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, और ब्लू करने के बाद हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे। एंड आफ्टर दैट सिलेक्शन टूल का यूज़ करके हम यहाँ पर रेक्टेंगल टूल का यूज़ करके यहाँ पर हम डिफरेंट शेप से आप कैसी भी कार को ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा फास्ट कार को ड्रॉ कर देता हूँ, और कार को ड्रॉ करने के साथ साथ हम यहाँ पर सिलेक्शन टूल एंड देन स्ट्रोक कलर को चेंज करके लाइन का कलर को कंटिन्यूसली चेंज करते हैं, और यहाँ पर ओवल शेप को ड्रॉ करेंगे। एंड देन आफ्टर दैट ओवल सेल से हम व्हील को डिज़ाइन कर लेंगे, एंड लाइन टूल का यूज़ करके भी हम अपनी कार को ड्रॉ कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो हमारे कार का शेप डिज़ाइन हो रहा है। तो हम यहाँ पर कार के शेप को ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारे कार फिर भी सेम लाइक एज बुक की तो नहीं है, बट हमारा कार ड्रॉ हो चुका है। कार को ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन पर यहाँ पर दिख रहे हैं कि ओके हो चुकी है हमारी कार। तो यहाँ पर हम जाएंगे मॉडिफाई में। तो मॉडिफाई में इसे हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए एज ए सिंबल में, बट यहाँ पर हम कार को पहले ड्रैग करके सबसे लेफ्ट में ले जाते हैं। ओके, लेफ्ट में ले आकर जाते हैं सिलेक्शन टूल के थ्रू सेलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद हम यहाँ पर प्ले हेड को यहाँ पर 60th फ्रेम पर मूव करके ले जाएंगे। 60 नंबर फ्रेम पर मूव करने के लिए का जाने के बाद हम सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे वन बाय वन। जैसे कि हम ड्रॉ करते हैं तो भी हम लेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं। सभी लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लेयर फर्स्ट पर राइट क्लिक करेंगे, और मेनू शॉर्टकट मेनू से आप यहाँ पर इंसर्ट फ्रेम्स पर क्लिक कर देंगे, और सेम आप फर्स्ट वाली लेयर पर जाएंगे। फर्स्ट लेयर पर कार की लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे क्रिएट मोशंस ट्विंस, बट यहाँ पर आप सबसे पहले कार को सिंबल में कन्वर्ट करोगे, मॉडिफाई कन्वर्ट टू सिंबल। और यहाँ पर मैंने कार नेम लिख लिया या और ओके कर देंगे, और फिर अगेन राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट मोशन ट्विंस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम प्लेट को ड्रैग करके यहाँ पर 60th फ्रेम पर ले जा सकते हैं। बट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ पर राइट साइड में ड्रैग करके लेकर आएंगे। ओके, और फिर हम यहाँ पर प्ले हेड को 60 नंबर फ्रेम पर लाकर एडजस्ट कर देंगे। सेम इस प्रोसीजर को फिर हम क्या करेंगे, ड्रैग करके स्लोली माउस से और लेफ्ट साइड में अगेन वापस ले जाएंगे। ओके, तो इस तरीके से आपका जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑर्डर में अप्लाई हो जाएगा। और देन ऑप्शन पे हम जाएंगे कंट्रोल ऑप्शन पे, एंड देन टेस्ट मूवी इन एनिमेट एंड क्लिक ओके। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो हमारी कार जो है मूव हो रही है रोड पर। तो इस तरीके से हम अपनी कार को मूव करके एनिमेशन को बेटर क्रिएट कर पाएंगे। ओके, और बाय द वे अपने पिछली वीडियो में बिल्डिंग को क्रिएट करना देखना हो, ट्री को क्रिएट करना देखना हो, तो पिछली वीडियो को हमारे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसके बाद ही आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कार को डिज़ाइन करना। कार को डिज़ाइन करना आपको
आई होप समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड कमेंट एंड सजेशन के लिए कमेंट बॉक्स का यूज़ करें और हमारे चैनल की अगली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।